और एक बच्चा वहाँ पे भी है जो थोड़ा कमजोर हो रखा है, दाना नहीं खा रहा फिलहाल अभी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम हैंड फीड करेंगे। अब हैंड फीड आराम से करना पॉसिबल नहीं है, सिंपल ये बाजरा और थोड़ा सा स्मेल सी हल्का सा गेहूँ ये मिला हुआ है इसमें, ठीक है जी। इतना ले लेंगे जितना आपके हथेली में आ जाए, ठीक है, इतना ही खिलाना है एक से एक बारी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज संडे का दिन है, जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन नहान रहता है कबूतरों का, तो आज कबूतरों को नहलाएंगे ठंडे पानी से ही नहलाएंगे भाई, और जल्दी से रखते हैं पानी। लेकिन उससे पहले हमारा एक भाई है, कमेंट शो करता हूँ, अक्षित कुमार महावर भाई ने कहा था मेरा नाम ले लो, तो भाई लव यू यार, ठीक है। तो भाई सभी भाइयों को प्यार, और ख़ासकर उन भाइयों को प्यार जिसने अभी हमारी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने डाला था, क्लिकबेट किया था एक मैंने छोटा सा, कि सारे कबूतर ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे प्यार दिखा उन भाइयों का जिन्होंने लिखा कि अमन भाई हमें, हम डर गए, ठीक है। मेरे को काफ़ी भाइयों के फ़ोन भी आए, पर्सनल मैसेज भी आए कि अमन भाई ऐसी वीडियो में डाला करो, हम डर जाते हैं कि अमन भाई कबूतर को आखिर हो क्या गया। तो भाई थैंक यू भाई, और कुछ उल्लू के पट्टे खुश भी हो गए होंगे कि बढ़िया हुआ ख़त्म हो गए सारे के सारे। तो भाई चलता रहता है, फिलहाल बिना देरी करे हुए आपको लेके चलते हैं लॉफ्ट की तरफ। सारे कबूतर भाई खोल दिए हैं, लेटरिंग वगैरह इनकी साफ़ कर दी है जो ज़मीन पर इन्होंने की थी, और ये वाला खाना रह गया था बंद करने से। आज सारे खाने बंद करने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि अभी नहा दूंगा, और तो ये गीले जा करके अंडों पे बैठ जाएंगे, ताकि ये अंडों पे ना बैठें, तो इसके लिए मैंने सारे कबूतर खोल करके इनके खाने बंद कर दिए हैं, और ये भाई नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पानी रखते हैं तुरंत के तुरंत, और इनको तो भाई ये रही अपनी मैगी धूप सेकते हुए मस्ती काटते हुए, और यहाँ पर हो चुका है नहान शुरू, और देखे जो नया बच्चा था वो भी आ करके, ये देखें आप जो नया बच्चा था वो भी आ करके नहाने के लिए हो गया रेडी, और बच्चे भी अभी आ जाएंगे, जो दो बच्चे और छोड़ रखे हमने, तीन बच्चे भी और नीचे हैं, तो वो भी धीरे धीरे इनको देख करके घुसेंगे आकर के पानी में। तो भाई स्नान शुरू हो गया है इनका, इनको नहाने के बाद में फिर यहाँ की सफाई भी करेंगे बढ़िया करके, और उधर भी नहलाएँगे उन कबूतरों को भी। तो भाई ये देख लें आप, ठंडा पानी है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, गर्म पानी। जितना आप इनको हार्ड बनाओगे ना भाई, उतना ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि ये वैसे ही ढल जाएंगे। जैसे अब भाई अपनी बात करूँ तो मैं, हम खुद डेली ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म पानी हम यूज़ नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हल्का ज़ुकाम भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं, ठीक है जी। एक बच्चा ऊपर रह गया यार, वो उसको निकाल लेता हूँ, वो मेरे ख्याल से वहाँ गलती से घुस गया, बड़ा बच्चा सफ़ेद, सॉरी, दो मिनट रुको, उसके बाद नहा लेना। ये बाबूजी यहाँ घुस गए हैं, चलो बस, ये देखो ये उड़ना शुरू हो चुके हैं, नहा लो ऊपर वाले बाबूजी को उतार दो, वो आ जाएंगे अपने आप। तो ये देखो भाई, डर नहीं है, इन्हें पता है कि भाई डेली आता है हमारे पास में, तो इन्हें मुझसे डर नहीं है बिल्कुल भी, अभी अपने आप नहाते रहेंगे। भाई दूसरे बाबूजी भी आ गए हैं अभी, है धीरे धीरे घुसने की तैयारी में, थोड़े गंदे थे ये भी, तो मैं चाहता हूँ ये भी नहा लें जल्दी जल्दी, और बाकी के भी कबूतर जल्दी जल्दी आ करके नहा ले लें बढ़िया करके, ठीक है जी। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जितनी देर इनके पास रहेंगे तो कुछ कबूतर क्या होता है नहीं आते नहाने के लिए, तो पानी रख करके आप इनसे दूर हो जाएँ, ताकि आराम से नहाते रहें और अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से बढ़िया रिफ्रेश कर लें, ठीक है। और देखो नहाएगा भी वो कबूतर जो स्वस्थ होंगे, जो बीमार होंगे या 1% उनका मन नहीं होगा नहाने का, जैसे मान लो ये ओके है कबूतर, लेकिन इसका मन नहीं है नहाने का क्योंकि ये ठुमेर पे लगा हुआ है मादिन के पीछे पीछे, इसकी जब मादा आएगी नहाने के लिए तब तो ये घुस जाएगा। अब देखो मादा का मन कर रहा है नहाने का, लेकिन वो भाई साहब उसे ना खुदा रहे हैं ना उसे आने दे रहे हैं, तो थोड़ी देर में जब वो आएंगे, मादा आएगी तो वो खुद भी नहा लेगा अपने आप। बाकी मादा का मतलब होता है फीमेल, समझे। बाकी ये बच्चे देखिए आप, यहाँ पे भी खोल दिए कबूतर, फिलहाल अभी खुले हुए हैं, मस्ती काट लें, उसके बाद इनको भी नहलाते हैं। बाकी बात रही फिश टैंक की, तो फिश टैंक भाई अपना ओवरऑल ओके है, ये देखें आप सारी मछलियाँ बढ़िया स्विम कर रही हैं। प्लांट्स लगाने का फ़ायदा भाई ये है, जो हमने ओरिजिनल प्लांट्स लगाए हैं वो जितनी भी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सब ले लेंगे, और उसके अगेंस्ट में उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, साथ में सूरज में रखने से फ़ायदे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने इन्हें ओपन पॉन्ड में रखा हुआ है। बाकी बात रही है, दो कोई का आप मैं ले तो आया था,
लेकिन इनके कारण ना टैंक के अंदर वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो सोच रहा हूँ इनको वापस दे आऊँ भैया को मैं, ये दो फिशेस को, और बैटा आनी थी एक, तो एक बैटा लेके आएंगे, वो अलग टैंक में रखेंगे, इसमें रखेंगे, सबको मार देगी। गप्पीज लेके आनी थी, तो हो सकता है 2 या 4 गप्पीज इसमें छोड़ दी जाएंगी। बाकी आप कमेंट करना इसमें और कौन सी फिश चल सकती है, क्योंकि मैंने सुना ज़ेब्रा डेनियोस भी चल जाती है इसमें और गप्पीज भी चल जाएंगी। बाकी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना कौन सी फिशेज और डाली जाएँ। भाई कबूतर नहा लिए वाले सारे के सारे, अब जल्दी से इनके यहाँ पे रख देते हैं पानी, ताकि ये कबूतर भी आराम से नहा ले। ठीक है जी, भाई डाल दिया पानी इनको भी, परिंदों को, और ये देखें आप नहा शुरू हो चुका है इधर भी, वही बार नहा लें ये भी, तो सफाई उधर की भी कर देंगे, जब तक यहाँ की सफाई कर देते हैं एक बारी, साफ करके वाइपर लगा देते हैं सारे में। ठीक है जी, तो भाई सफाई कर दी है और दाना डाल दिया है, खाने सारे खोल दिए हैं कबूतरों के, हम जाकर कबूतर अपने अंडों पर बैठ जाएंगे, दाना खा करके मस्ती काट लेंगे। ये भी खोल दिया है, अभी अंदर घुसे पड़े हैं सारे सारे, फिलहाल अभी बाद में आ जाएंगे बाहर। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नहाने के लिए जल्दी से, काम सारा निपट चुका है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो भाई देख लें, शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज रहे हैं, और दाना डाल दिया तो सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, तो जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो दौड़ा रहे हैं मादिनों को वो दौड़ा रहे हैं, फिलहाल लगे पड़े अपने। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, जैसे अपने एक वो वाला बच्चा, एक ही छोटा बच्चा जो रह गया ये वाला, इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है, और एक बच्चा वहाँ पे भी है जो थोड़ा कमज़ोर हो रखा है, दाना नहीं खा रहा फिलहाल अभी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, हैंड फीड करेंगे। अब हैंड फीड आराम से करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम इसका सहारा लेंगे। हमने लगभग मान के चले आप, सिर्फ सिंपल ये बाजरा और थोड़ा सा स्मेल सी हल्का सा गेहूँ ये मिला हुआ है इसमें। ठीक है जी, इतना ले लेंगे जितना आपके हथेली में आ जाए। ठीक है, इतना ही खिलाना है एक से एक बारी में, तो मैं खिला के दिखाता हूँ। सिरिंज अपने पास में ये होती है, तो ये ले लेंगे पानी पिलाने के लिए इसको, तो भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई सुबह से हो चुकी है शाम, और ये बच्चा देखें आप, ये बच्चा इसने कुछ भी नहीं खाया, पोटा बिल्कुल खाली है, बच्चा एक कली में बच्चा है अभी, और खाना छोड़ दिया है बिल्कुल। दवाई दी थी लेकिन कुछ दवाई का इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर, क्योंकि इसने खाना शुरू नहीं किया। इस केस में देखो हमारा खुद कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि खिलाएं। अब ये देखो सिंपली फीडर लिया और खाली, इसमें पानी नहीं डालना, ये तो क्या होता है पानी चले जाता है इनके पेट में और दाना नहीं जाता। अब इस तरह से पंप करेंगे तो देखें हम नीचे, उसका गला भी फूल रहा है वैसे इतना खाया, उतने को छोड़ो हल्का सा इसके ऊपर, बाकी ये बाकी का खा ले भी अंदर कर लेगा थोड़ा सा इससे पानी पिलाते हैं पहले। ठीक है, तो दाना क्या है सारा का सारा इसके अंदर उतर जाएगा, ये उतर गया दाना इसके पोट के अंदर, तो हम इतना खिला देंगे ताकि ये बच्चा मरे ना बस, क्योंकि जब नहीं खाएगा ऑब्वियस बात है मर जाएगा। ये हमने दाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया, बच्चा हो गया बिल्कुल फिट, पोटा हो गया एकदम ओके। इसी तरीके से अभी हम उस लॉफ्ट में भी उन दो बच्चों को भी खिलाते हैं, ठीक है आपके साथ में। तो इस तरीके से क्या है, आपके घर में जो बच्चा का बीमार भी होगा तो एटलीस्ट मरेगा नहीं, इस तरीके से आप उस बच्चे को बचा सकते हैं उसकी केयर करके। और ज़रूरी भी है भाई, देखो जब पाला हमने है तो उसका ध्यान भी हम ही रखेंगे, और तो कोई नहीं रखेगा। तो भाई ये देखें आप, ले तो थोड़ा दाना हाथ में ले लिया जितना अपनी हथेली में आ गया। ठीक है जी, लेने के बाद में इसको इस तरीके से हम फिलअप कर देंगे, ये हो गया इसमें फिल, जो बचा हुआ है वो भी डाल देते हैं ऐसे। ठीक है जी, आपको दिख पा रहा होगा दाना, पानी नहीं डालना होता इसके अंदर, क्योंकि पानी से क्या होता है, सिर्फ पानी बच्चे के पोट में चले जाता है, दाना ना इसके अंदर चिपक जाता है, तो हमें मेन तो दाना खिलाना है, पानी पिलाने के लिए अपने पास तो सिरिंज होता ही है। अब बच्चे के माँ बाप ने खिला रखा दाना थोड़ा दाना हम इसको खिला देंगे ताकि ये बेचारा भूखा ना रहे। बस पूरा नहीं खिलाना था, थोड़ा सा खिलाना था, और लेके आते हैं इसके लिए पानी जल्दी से। ओ आजा पुत्र। तो भाई पानी ले लिया है इसके लिए छोटू के लिए,
ताकि ये छोटू जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। अब दाना पानी हो चुका है, बिल्कुल फुल छोड़ देंगे इसको। और इसी तरीके से हम दूसरा बच्चा भी जल्दी से पकड़ लेते हैं और उसको भी फीड करा देते हैं, हैंड फीड। अच्छा, एक चीज़ और भी है आपसे मैं शेयर करूँगा अभी, मुझे प्लीज़ उसमें कमेंट चाहिए आपके बहुत सारे। कमेंट किसके लिए चाहिए अब वो समझ लीजिए कि एक सेकंड रुको जरा, मैंने बच्चा ले आऊँ। ये रहा अपना छोटू, वैसे दाना खिला रखा है इसके माँ बाप ने आज बढ़िया करके इसे, तो आज नीड नहीं है इसको खिलाने की, तो खाली पीली मैं इसमें ठूसूंगा नहीं कि ना जी मैंने तो भर लिया और मैं खिलाऊंगा, तो भाई वो मत करना। पानी थोड़ा सा पिला देते हैं बस इसे, बस दाना इसके माँ बाप ने इसे फुल खिला दिया, बाकी इसे छोड़ रखा था नीचे, तो भाई ये खुद भी फीडिंग करना शुरू हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसको हम वापस दाने को डाल देंगे कंटेनर में। अब बात करते हैं आपसे इम्पॉर्टेंट। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप चाहते हैं एक बहुत अच्छी हम फीड बनाएं घर के अंदर, जिससे हमें दाना ना खिलाना पड़े और हम फीड खिला सकें, और वो भी नेचुरल फीड 100% वो सामान से बनी हुई जो आपके घर पे उपलब्ध है। जैसे कि बहुत महंगी महंगी फीड्स आती हैं, वर्षा लागू की भी आती है, पेट्स लाइफ की भी आती है, बहुत महंगी महंगी फीड्स आती हैं जो हम इनको फीड करते हैं, लेकिन आपके साथ में एक ऐसी फीड अगर मैं शेयर करूं जिससे आपका एक भी बच्चा घर पे ज़ाया ना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को भर देना, ठीक है जी, कि पिजन फीड वीडियो, ठीक है, पिजन फीड वीडियो लिख देना प्लीज़ आप, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए वीडियो बनानी है। फिर मैं जल्द ही आपके लिए प्रॉपर वो सारा सामान इकट्ठा करके एंड देन आपको प्रॉपर लाइव बनाऊंगा भी और बना करके दिखाऊंगा भी, और देने किस तरीके से है, उसमें क्या क्या सामान डलेगा, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट डालना। बाकी आज का ब्लॉग इतना ही, कल को मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।